फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड एल्युमिनियम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड एल्युमिनियम। तो देयर आर थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हैलोजन एज वेल एज द एल्युमिनियम। फर्स्ट इज द इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस, सेकंड इज द बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी। तो लेते हैं पहला इंटरमोलिक्युलर फोर्स। जैसे कि आपको पता है कि ये है कार्बन और हैलोजन। अब कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन, सो दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन। जाहिर सी बात है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी है, ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई सो दिस कार्बन विल कैरी इट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड अल्टीमेटली दिस हैलोजन विल कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन विल कैरी इट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई द कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल बिकम पोलर। सो दिस इज द मेन रीजन। तो एक ही लाइन में हम कहेंगे कि कार्बन और हैलोजन के बीच का जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हैलोजन एंड कार्बन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन और हैलोजन आपका पोलर बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में एक प्रकार का इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, बिकॉज दिस कार्बन एंड हैलोजन आर टाइटली बॉन्डेड विथ वन अनादर ड्यू टू द पोलैरिटी। अब हम अगर इनकी बात करेंगे हैलोजन की, तो हैलोजन का मतलब क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। तो जैसे जैसे हम लोग हैलोजन की बात करेंगे तो ये कार्बन फ्लोरीन हुआ, यानी कार्बन फ्लोरीन, बाद में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, और बाद में कार्बन और आयोडीन का। अब ये है इनकी बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे तो अल्टीमेटली इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है ये मास इनका बढ़ेगा। अब मास इनका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इनकी साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए फ्लोरीन की साइज कम, अब फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये सपोज फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की साइज कम, फिर क्लोरीन की साइज ज्यादा, तो ये देखिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे वैसे वैसे उसकी साइज और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। साइज और मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो कार्बन के साथ जो बॉन्ड तैयार हो रहा है ना बेटा, ये हैलोजन का, ये बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ेगा। देखिए यहां से इतनी लेंथ है, यहां से इतनी लेंथ है, फिर से अगर हम लोग अगर देखेंगे तो ये अगर बढ़ेंगे तो ये लेंथ कहां होगी, यहां। So it means that, तो जैसे जैसे हम लोग क्लोरीन की इतनी, क्लोरीन की इतनी ज्यादा है और ब्रोमीन की इतनी ज्यादा है, तो जैसे जैसे हम लोग क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी साइज बढ़ेगी, उसका मास बढ़ेगा, और उसके कारण कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस। This is the difference. ध्यान दीजिए। So जैसे जैसे हम लोग हैलोजन के तहत फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे, it means that if we go from fluorine to iodine, the size of a halogen is increases due to the increasing in size, the mass is also going to be increases, and that's why the carbon halogen bond length is also going to be increases, and due to that the carbon halogen bond strength is decreases. यानी जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है मतलब वो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड क्या रहेगा, वीकर रहेगा। यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और आपका जो बॉन्ड है वो वीकर होगा। सो इट मीन दैट, तो जाहिर सी बात है कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा,
क्लोरीन थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ब्रोमीन फिर से साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आयोडीन मास बढ़ेगा साइज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ेगी कार्बन और आयोडीन की, और इसीलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी कम होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे फ्लोरीन से हम लोग आयोडीन तक जाएंगे तो कार्बन के साथ उनका इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो है वो कम होगा, और कम होने के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीकर होगी, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज दिस। कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कार्बन क्लोरीन से, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कार्बन ब्रोमीन से, कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कार्बन और आयोडीन से। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जाएंगे तो इनका साइज बढ़ेगा, इनका मास बढ़ेगा, और इसके कारण ये जो पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये कार्बन और क्लोरीन या कार्बन और क्लोरीन मतलब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तैयार कैसे हुआ, आपके हेलोजन का पी ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग हेलोजन में जाएंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक जाएंगे तो वो हेलोजन का जो पी ऑर्बिटल का शेप है वो बहुत ही डिफ्यूज्ड होगा, इट विल गेट्स मोर डिफ्यूज, और जितना ज्यादा वो डिफ्यूज बनेगा तो उसका जो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है ना कार्बन ऑर्बिटल के साथ वो कम होगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होने के कारण उसका जो भी बॉन्ड तैयार होगा वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी बेटा, वीक रहेगी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे हम लोग जसं जसं आपण फ्लोरीन पासून आयोडीन कडे जातोय तर याचा साइज वाढतोय, साइज वाढला म्हणजे त्याचा मास वाढत आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याचा जो पी ऑर्बिटलचा जो शेप होत आहे ना तो जास्त डिफ्यूज होत आहे, डिफ्यूज होणे म्हणजे काय, एक आकुंचन भावने म्हणतो आपण त्याला, तर जसं जसा तो शेप डिफ्यूज होत आहे तो डिफ्यूज झाल्यामुळे काय होईल, तुमच्या कार्बन सोबत त्याचा ओव्हरलॅपिंगचं जे प्रमाण आहे एक्सटेंट आहे ते कमी होईल, आणि ओव्हरलॅपिंगचं प्रमाण जर कमी झालं तर बॉन्ड तयार करण्याची जी क्षमता आहे ती आपण त्याला पॉवरफुल बॉन्ड म्हणतोय, मजबूत बॉन्ड तयार करण्याची जी क्षमता आहे ती सुद्धा कमी होईल, आणि म्हणूनच काय होईल की कार्बन क्लोरीनचा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आहे हा जास्त, कारण याचा जो शेप आहे हा डिफ्यूज आहे, आणि कार्बन आयोडीनचा बॉन्ड स्ट्रेंथ हा कमी, कारण बॉन्ड ज्याचा जो पी ऑर्बिटलचा जो शेप आहे दॅट इज गोइंग टू बी मोर अँड मोर डिफ्यूज। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटरमॉलिक्युलर प्रोसेस। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका पोलर है कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड, तो अल्किल हैलाइड आर ए पोलर कंपाउंड्स एंड दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट अल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग अल्केन और हाइड्रोकार्बन। इट मीन दैट ये जो अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट है ये आपके अल्केन से हाइड्रोकार्बन से कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास 56 है तो इसका भी 56 के अराउंड में होना चाहिए, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है अल्किल हैलाइड का और अल्केन का, तो भी आपके अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ये पोलर बॉन्ड है, मतलब इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है अल्केन के अंदर से। ओके, एंड दैट्स व्हाई सो दिस अल्किल हैलाइड्स हैविंग ए मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द योर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ए कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। रीजन ये है बिकॉज़ दे आर पोलर कंपाउंड्स एंड दे आर आल्सो हैविंग ए हाई मॉलिक्यूलर मास। तो अब जैसे जैसे हम लोग ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम अगर अल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो अल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो हैलोजन जो है तो ये वाला हैलोजन है जैसे कि कार्बन फ्लोरीन बाद में क्लोरीन बाद में ब्रोमीन बाद में आपका आयोडीन। तो ये एक अल्किल हैलाइड है। अब अल्किल हैलाइड के अंदर आपका कार्बन चेन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, और हैलोजन क्या होगा बेटा, बदलेगा। तो हैलोजन अगर बदल रहा है मतलब ये अल्किल क्लोराइड अल्किल क्लोराइड अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा हम लोग क्या करेंगे हैलोजन जो है वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे हैलोजन का मास भी क्या होगा बढ़ेगा, और मास बढ़ने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। एंड नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज द
मेल्टिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, यानी उसका जो भी मास है वो मास अगर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाई, तो फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, आपके हाइड्रेट का, अल्किल हाइड्रेट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ऑर्डर बढ़िया, दैट विल बी द ऑर्डर फॉर ए मोल करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग। ये करस्पॉन्डिंग इसके लिए बेटा हैलोजन की बात करेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग हैलोजन की बात करेंगे, हैलोजन मतलब हैलोजन चेंज है, सपोज अल्किल ग्रुप चेंज है, अल्किल ग्रुप चेंज है मतलब यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं कि पहला है मिथाइल क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड, बाद में है इथाइल क्लोराइड, बाद में है एनप्रोपाइल क्लोराइड। अब यहां पे देखिए हैलोजन आपका सेम है, फॉर ए गिवन हैलोजन इफ द कार्बन चेन इज डिफरेंट, तो कार्बन चेन यहां पे डिफरेंट है, लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट है लेकिन यहां पे जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, यहां पे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, ज्यादा है, यहां पर भी मॉलिक्यूलर मास कैसा है, ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने कहा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो फिर से यहाँ पे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल क्लोराइड से कम रहेगा, इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट आपके एनप्रोपाइल क्लोराइड से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड दैट इज नथिंग बट योर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ योर अल्किल। नाउ अगर हम लोग देखते हैं आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड, आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड मतलब जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरली वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ये तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर। तो यहां पे देखिए बेटा यहां पे क्या है आपका कार्बन कार्बन की चेन कंटीन्यूअस मैनर में, यहां पे भी है लेकिन एक थोड़ा सा ब्रांचिंग है हैलोजन के लिए, यहां पर दो ब्रांचिंग है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहां पे मैंने कहा कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी ना तो इनके बीच का वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहां पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंटिन्यूस है, तो अब यहां पर ब्रांचिंग है तो थोड़ा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यहां पे फिर से ज्यादा ब्रांचिंग है तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से कम हो जाएगा। इसका मतलब जिसका ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एंड हेंस द प्राइमरी दैट इज द एन ब्यूटाइल क्लोराइड्स विल हैव ए ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द योर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड देन दैट ऑफ द योर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। द रीजन बिहाइंड इज दैट ड्यू टू द ब्रांचिंग द वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, दैट विल डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। यहां पे देखिए ना ये ग्रुप को सरफेस एरिया जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड हुआ और यहाँ पे देखिए ये इधर की भी ब्रांचिंग है और ये भी ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ, कम हुआ। तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा रहेगा, कंटिन्यूअस चेन में, स्ट्रेट चेन में, और कहाँ पर कम होगा, ब्रांचिंग में वो कम होते जाएगा और वंडर वॉल फोर्स कम होते जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अल्टीमेटली कम होगा। नाउ लास्ट इज नथिंग बट योर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, जो भी हम लोग अरिल हैलाइड की बात करेंगे, अरिल हैलाइड की बात करेंगे मतलब ये है हमारा अरिल हैलाइड, ये आर्को पोजीशन है और ये है आपका पैरा पोजीशन, आर्को डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसका जो है इसका नियर अबाउट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पैरा आइसोमर का वो कितना है 323 केल्विन है और ये आर्को आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 256 केल्विन है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा, दोनों भी आपके डायहैलोजन है, तो इसका रीजन क्या है बेटा, ये पैरा पोजीशन में जो सीएल और ये भी सीएल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा सिमेट्रिकल है और ज्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण ये क्लोजली पैक होगा उसके क्रिस्टल लैटिस में और वो क्रिस्टल लैटिस की जो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा लगेगा। भाई इन केस ऑफ ए आर्को यहां पर सिमेट्रिकल नहीं है, ये यहां पर है तो ये कंटिन्यूअसली है उसके एडजस्टेंट साइड में, लेकिन यहां पे अपोजिट मतलब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनेगा। सो इन केस ऑफ योर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन द
the structure is quite symmetrical and that will form a crystal lattice structure in a prominent manner, or it will be easily able to form a closely packed crystal lattice structure, and that's why high amount of energy is required in order to overcome the lattice energy. High amount of energy मतलब क्या है? Heat energy मतलब क्या है? Temperature. तो temperature ज़्यादा पैमाने में लगेगा. इसका symmetrical structure होने के कारण उसके अंदर की lattice energy को overcome करने के लिए इसीलिए इसका boiling and melting point क्या रहेगा? पहला isomer चाहेगा. Then that of the water. आप तो isomer ना. Next is the solubility. Alginate जो है बेटा, ये water के अंदर soluble नहीं होते हैं. Because due to the inability to form the hydrogen bonding with the water. कोई भी आपका कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल है मतलब क्या है कि वो वाटर के साथ क्या तैयार करना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करना चाहिए. तो अल्किल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता है, इसलिए इट इज अनेबल टू फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. व्हाई इट विल बी सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड हुआ CH2, आपका क्लोरोफॉर्म हुआ CHCl3, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ CCl4, इनके अंदर वो सोल्यूबल है. वही बात करेंगे हम लोग अरिल हैलाइड मतलब इनकी, तो ये जो अरिल हैलाइड है ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है. दे आर ऑल्सो इनसोल्यूबल इन ए वाटर, बट दे आर सोल्यूबल इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज योर कार्बन डाइसल्फाइड, chloroform as well as a carbon tetrachloride. So these are the physical properties of a halogen and halogen. Thank you.